Hey guys, I am Preeti and welcome back to my channel. तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 अफोर्डेबल क्रीम्स फॉर ड्राई कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन फॉर समर्स. गाइज, जो मैं आपके साथ फर्स्ट क्रीम शेयर कर रही हूँ वो है सेटाफिल डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन, और ये 30 ग्राम जो है 160 रुपीज़ का आता है. ये नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन तीनों के लिए अच्छी है. ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है और ये बिल्कुल भी वो चिपचिपे वाली फीलिंग नहीं देती है. तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्रीम है. और इस पर क्या लिखा है, क्लिनिकली प्रूवन टू हाइड्रेट ड्राई स्किन फॉर 24 आवर्स. 30 ग्राम्स आता है 160 रुपीज़ का. और इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं नीचे एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. साथ ही ये जो क्रीम है नॉन कोमेडोजेनिक है, मतलब ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करती है, नॉन इरिटेटिंग है, फ्रेग्रेंस फ्री है, और जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो इस क्रीम को रिकमेंड करते हैं. तो एक बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छी क्रीम है ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, इवन नॉर्मल स्किन के लिए. सेकंड क्रीम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, वो है ये. इसका नाम है गार्नियर रिंकल लिफ्ट प्रो रेटिनॉल फ्रॉम नेचर एंटी एजिंग क्रीम. के एंटी एजिंग बेनिफिट्स तो मुझे अभी इतने नज़र नहीं आए, बट मुझे लगता है बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये. इसका छोटा टब है, ये एक बड़ी पैकेजिंग में भी आती है. ये 18 ग्राम्स का है, 165 रुपीज़ का. तो ये भी एक बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए समर्स में. ड्राई स्किन वालों को ये सर्दियों में उतने अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं कर पाएगी, बट गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी क्रीम. इसके जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो भी मैं पिक्चर एक इंसर्ट कर दूंगी. ये नॉन ऑयली क्रीम है, ये भी आपको बिल्कुल चिपचिपा फील नहीं कराती. और गर्मियों में हमारा क्रीम से सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि वो लगाने के बाद हमें चिपचिपी नहीं लगनी चाहिए. थर्ड क्रीम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये है ओले नेचुरल वाइट इंस्टेंट विद यूवी प्रोटेक्शन इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस क्रीम. तो ये जो क्रीम है ये 20 ग्राम की पैकेजिंग में है और ये है 109 रुपीज की. और ये एक बहुत अच्छी क्रीम है गर्मियों में कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए. जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनको हो सकता है ये थोड़ा कम मॉइस्चराइजिंग लगे, बट जब अभी बहुत तेज वाली गर्मी आएंगी ना, जून जुलाई जब मौसम ह्यूमिड होता है, तो ड्राई स्किन को भी ये लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा ऑयली क्रीम नहीं चाहिए होती है. तो उस टाइम के लिए ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है. मेरा कॉम्बिनेशन ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं तो इसे अभी भी लगा रही हूँ. तो ये भी एक बहुत अच्छी क्रीम है और ये आपको इस पर लिखा है इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस. तो उतना फेयर तो नहीं कराती है फील, बट ये आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो तो ज़रूर लाती है. तो ये क्रीम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप सस्ते में कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए. इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. और इस पे साथ में ये भी लिखा है कि ये जो क्रीम है ये लाइटन करती है आपका स्किन टोन, इवन आउट करती है आपके स्किन टोन को, और सन से प्रोटेक्शन भी करती है फॉर हेल्दियर लुकिंग ग्लो. इसका एक SPF वाला वर्जन भी आता है. आप चाहें तो अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में बाहर जाते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं. नेक्स्ट क्रीम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये है गार्नियर लाइट कम्प्लीट फेयरनेस सेरम क्रीम, लाइटन्स स्पॉट इन 1 वीक. और इसमें 3 गुना विटामिन सी है विद लेमन, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये भी. और इस पर एक चार्ट भी दिया है कि इसको लगाने के बाद आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा हो जाएगा, बट ये इतना जल्दी तो वर्क नहीं करता है जितना ये क्लेम कर रहे हैं. और साथ ही इसमें लिखा है इट हैज़ 3 टाइम्स विटामिन सी सीरम, रिड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ स्पॉट, डार्क स्पॉट, यूवी स्पॉट एंड पिंपल स्पॉट, गिव्स फेयर स्किन इन 1 वीक, इंस्टेंटली ब्राइटन स्किन एंड गिव लॉन्ग लास्टिंग फेयरनेस, फॉर्मुलेटेड विद UVA और UVB प्रोटेक्शन विच इज़ नोन टू बी प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन. तो ये भी एक बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए समर्स में. अगर आप इसे विंटर्स में लगाएंगे तो उतने अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं कर पाएगी ड्राई स्किन को, बट समर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. और इसमें लिखा है स्किन को लाइटन भी करती है. वैसे तो इसमें लेमन है जो कि ऑब्वियसली माना जाता है कि डार्क स्पॉट्स को कम करता है, बट इसमें लिखा है 1 हफ्ते में इसके इफेक्ट दिखने लगेंगे. ऐसा 1 हफ्ते में तो नहीं दिखेगा. अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके डार्क स्पॉट तो डेफिनेटली लाइटन हो जाएंगे. और शायद अगर आप इसे अच्छे लंबे समय तक सुबह शाम दोनों टाइम लगाएंगे तो आपका हो सकता है कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, बट मैंने इसका अब तक ऐसा तो कोई इफेक्ट देखा नहीं है. बट हाँ, ये डार्क स्पॉट्स को ज़रूर थोड़ा फेड करती है. और ये भी बहुत ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, ये क्रीम तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है. ये जो मैंने आपको पैकेट दिखाया है ये 23 ग्राम्स है और ये है 69 रुपीज़ का. आप चाहें तो इसका बड़ा पैकेट भी ले सकते हैं, जो वो भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है. और नेक्स्ट क्रीम जो मैं आपके साथ शेयर करी वो भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट क्रीम है. यस, मुझे पता है आप में से बहुत
बहुत सारे लोग इसको पहचानते होंगे, ये है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर विद विटामिन ई, और इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी मैं नीचे लगा दूंगी। इसमें गाइस ग्लिसरीन है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और बहुत ही सॉफ्ट सी क्रीम है, अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, इतना टाइम नहीं लेती और ये भी आपकी स्किन को एक बहुत लंबे टाइम तक हाइड्रेट करती है। चिपचिपी नहीं है क्रीम, लाइट वेट क्रीम है और आपको बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा। ये ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन तीनों के लिए सूटेबल है। नॉर्मल स्किन वालों को हो सकता है ये गर्मियों में थोड़ा उतना ज़्यादा पसंद ना आए उनको, अगर किसी की नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो हो सकता है उन्हें ये थोड़ी सी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग या थोड़ी ऑयली लगने लग जाए, तो वो लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। बट ये ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छी हाइड्रेटिंग क्रीम है और बहुत ही इकोनॉमिकल है, बजट में है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 5 रिकमेंडेशन अंडर 200 ये क्रीम्स हैं। इवन अगर आप इसमें से 2 क्रीम का बड़ा डब्बा भी लोगे तो वो भी आपको 200 रुपए से कम में मिलने वाला है। आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं और ऑलरेडी ट्राई करते हैं तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके कोई भी सजेशन है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आप फ्यूचर में किस तरीके की वीडियोज देखना चाहते हो। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज यार बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और वो जो नीचे घंटी का आइकन है उसको जरूर क्लिक करना, बिकॉज तभी आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आई विल सी ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।